अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो थंबनेल तो आपने देख ही लिए होंगे, तो मैं आज आपको बैंगन के भत्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, एक बैंगन ले लिया था मैंने, बड़े साइज़ का बैंगन है। भत्ते का बैंगन इस तरीके से आते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा बैंगन था, एक पाव के ऊपर था शायद। तो ये एक बैंगन ले लिया था। 8 से 10 कली मैंने लहसुन ले लिया था, और 3 से 4 मैंने मिर्ची ले ली थी, हरी मिर्ची ले ली थी। ज़्यादा तेज़ अगर मिर्च है तो आप 2 ही ले लीजिए। अब इस बैंगन में हम चाकू के हेल्प से इसे कट लगाएंगे। चारों तरफ ऐसे थोड़े थोड़े दूर पे हमें कट लगाना है, इस तरीके से। देखिए, मैं लगा के बताती हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके से हम कट लगाएंगे बैंगन पे। तो देखिए, मैंने चारों तरफ इसके कट लगा दिया है। तो अभी इस कट में हमें क्या करना है कि जो हमने लहसुन और मिर्ची जो हमने काट के रखी थी, तो वो हम कुछ इस तरीके से इसमें रख देंगे। तो बैंगन के अंदर हमें ये रखना है। देखिए, मैंने लहसुन वगैरह और मिर्ची सभी रख दिया है। देखिए, पूरे कट में हमें ये भरना है। मिर्ची, देखिए यहाँ पे भी मिर्ची वगैरह रख दी है। देखिए, मिर्ची और लहसुन हमें इसमें अच्छे से अंदर फिल करना है, ताकि ये बैंगन हम जब गैस पे रखेंगे तो ये मिर्ची और लहसुन भी अच्छे से रोस्ट हो जाता है इसमें। तो देखिए, ये अच्छे से हमें फील करना है अंदर तक, इसके बाहर नहीं निकलने को ना बैगन के, वरना वो जल जाएगी अगर बाहर रहेगी। तो अंदर से अगर हम अच्छे से अंदर फील करते हैं तो वो अंदर से अच्छे से पक जाती है गैस पे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने फील किया है। अभी इस बैगन को चारों तरफ से फील करने के बाद इसमें तो देखिए, इसमें अब अभी तेल लगा लेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें तेल लगाएंगे, और चारों तरफ से हमें इस बैंगन को तेल लगा लेना है। देखिए, तेल लगाने से ये बहुत ही जल्दी इसे पक जाता है, और इसका जो छिलका होता है ऊपर का वो कड़क हो जाता है, और ये अच्छे से पक जाता है। तो देखिए, चारों तरफ से मैंने इसमें ऑयल लगा दिया था। तो अभी इस पर इसे हम गैस पर रख देते हैं। ऑयल लगाने से जल्दी पक जाता है। तो देखिए, गैस पे मैंने रख दिया था बैगन, बहुत ही बड़ा बैगन था, तो वो नीचे के साइड से इस तरीके से रखेंगे तो नीचे से जल्दी पक जाएगा। बाकी हम इसे पलटा के हमें सेकना होगा। तो देखिए, 5 से 10 मिनट इस तरीके से रखेंगे तो ये जल्दी पक जाता है। तो देखिए, नीचे से हो चुका था उसका भूनना, और देखिए साइड से मैं कुछ इस तरीके से करके भून रही थी, ताकि ये बहुत बड़ा बैगन है तो ये साइड में ऊपर तक इसकी आँच नहीं आ रही थी गैस की। तो ऐसा करके मैंने साइड साइड से सब पूरा बैगन भून लिया था। तो देखिए, बैगन हमारा अच्छे से पक चुका है। तो ये देखिए, इसका छिलका भी बहुत अच्छे से निकल जाता है ऑयल लगाने से, और ये बहुत गर्म था अभी, तो हम इसे 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, 10 मिनट हो चुके, अभी ठंडा होने के लिए रखे हैं हमने, और ये देखिए कितने अच्छे से पक चुका है, अंदर तक अच्छे से दब रहा था। तो इसे ठंडा होने के लिए 10 मिनट तक रख दिया था, और देखिए 10 मिनट बाद ये अच्छे से ठंडा हो गया था। हम इसे टच कर सक रहे थे, तो मैंने सारे छिलके इसके अच्छे से उतार दी थी, और ये डंडी हम इस तरीके से चाकू की हेल्प से काट के हम अलग कर देंगे, और बाकी सारे बैगन को भी हम काट के देखेंगे कि अंदर से ये अच्छा है या नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से काट के हम चेक करेंगे, अच्छे से ये ठंडा हो चुका था। देखिए, मैंने काट के चेक कर लिया था, और बैंगन जो भुरते के बैंगन होते हैं वो ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं, अंदर से कवला बैंगन था तो ये अच्छा ही था। तो इसे मैं मैशर में ये मैश कर दूँगी, आपके पास मैशर होगा उससे करिए, मैं चॉपर में कर दूँगी इसे मैश। और देखिए, बैंगन के अंदर की जो मिर्ची थी वो और एक पैच मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, और एक टमाटर मैंने चॉप कर लिया था, और देखिए चॉपर में मैंने बैंगन को भी चॉप कर लिया था। हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना था इसका। एक पैन ले लिया, उसमें थोड़ा सा तेल लेकर मैंने उसमें जीरा डाल दिया था। जीरा जैसे चटकता है मैंने प्याज इसमें डाल दिए थे। प्याज को अच्छे से गोल्डन होने तक हमें रोस्ट करना है। तो देखिए, इसे अच्छे से गोल्डन कलर आना चाहिए, इतना हमें इसे सॉटे कर लेना है। तो प्याज सॉटे हो गई थी, तो अभी हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हमें 5 मिनट तक अच्छे से इसमें पकाना है। अभी चॉप टमाटर है तो जल्दी से ही पक जाते हैं। तो जब तक ये पकते हैं, हम सूखे पाउडर मसाले निकाल लेंगे। तो सूखे पाउडर मसाले में देखिए, मैंने 1 चम्मच नमक ले लिया है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 चम्मच मैं ले लूँगी लाल मिर्च पाउडर। आपने हरी मिर्च 2-3 ऐड करी है तो आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकती है। और 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है।
अभी देखिए टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो चुके थे, पक चुके थे, तो अभी हम इसमें सूखे पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। सूखे पाउडर मसाले को अच्छे से इसमें मिला लेना है। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक हमें इसे अच्छे से पाउडर मसाले को भूनना है। इसमें जब ये इसका तेल छूट जाएगा तो हम इसमें हमारे वो जो मैश करे हुए बैंगन ऐड कर देंगे। तो देखिए तेल कितने अच्छे से निकल जाता है। 2 मिनट तक इसे अच्छे से पकने देना है, बीच बीच से चलाते रहना है। अब देखिए मसाला पक चुका था तो हम सारे बैंगन इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए सारे बैंगन का मैंने ऐड कर दिया है भरता इसमें, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये पूरे मसाले इसमें लग जाने को ना एक जैसे इस तरीके से हमें मिलाना है इसमें। तो देखिए बैंगन के भरते का मैंने अच्छे से मिला दिया था और बैंगन का भरता बनके रेडी था। तो अभी हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया को भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा बैंगन का भरता बनके रेडी हो गया है। तो यही कुछ रेसिपी थी। जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत अच्छे से बनता है, बहुत टेस्टी बनता है और बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं। हफ्ते में एक आधी बार बनाए तो कोई भी खा लेते ही है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी। तो भुरता बन के रेडी हो गया था, इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ठंडा होने के बाद मैंने सर्विंग पैन में इसे निकाल लिया था। तो यही कुछ ब्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।